वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आई एम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। तो आज हम देखने वाले हैं फेस टू फेस चैनल से एक वीडियो है कि कुमार विश्वास ने मुस्लिम पर क्या बोला असदुद्दीन ओवैसी पर। पता नहीं ये अजीब सा टाइटल है, देखेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल जो है बात यह है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो फेस टू फेस या डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता होगा। हमारे चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई सही बात कर रहा है तो फिर उसे सपोर्ट करना बनता है, और सपोर्ट करने से ही क्या होता है कि उसकी सपोर्ट मजबूत होती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द सेम टाइम हमारे दूसरे चैनल्स भी हैं, वहाँ जाके सीखें, अपनी लाइफ सुधारें, क्योंकि पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपसे पहले भी थी, आपके बाद भी रहेंगी। अपनी लाइफ सुधारो, अपने आप को सुधारो और खूब पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब जो है हम वीडियो प्ले करते हैं और फिर जो है अपन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। प्ले। बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। कि वो तेरी बेवफाई का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि जूता पड़ गया। ये ना होता तो कोई और वजह होनी थी, हम वो हैं जिसके हर हाल में जूता पड़ना था। गलत कह रहा हूं क्या? अरे बेशर्मो, इसी आसिफ इब्राहिम ने बोला था कि वो एक टेरर मॉड्यूल था। पिछला जहां एक टेररिस्ट थी वो मोदी जी को मानने जा रहे थे। एक दूसरे के बराबर नहीं रखा इस देश ने हमेशा, कुरान को संविधान से ऊपर रखा। आप सोच रहे होंगे कि ये बात बड़ी लॉजिकल है, पर रिजवान कुमार विश्वास का विरोध क्यों कर रहा है? कुमार विश्वास साहब, तो साथियों बहुत कुछ घट रहा है देश में, कुछ खामखा का घट रहा है। रॉ में आईबी में एक रिपोर्ट आई कि मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स की गिनती अब लगभग ना के बराबर रह गई है। किसी भी सीनियर पोस्ट पर मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर रॉ में या आईबी पर नहीं है। जाहिल आजम साहब को उस पर मुंह खोलना था, इज्जत के मारे में उनका नाम नहीं लेता हूं, तो बताओ। तो जाहिल आजम साहब को उस पर मुंह खोलना था उस रिपोर्ट के आधार, और हमारे कुमार विश्वास भाई ने उसका काउंटर मार दिया। मैं दोनों से संतुष्ट नहीं हूं, मैं दोनों की बात से संतुष्ट नहीं हूं। जाहिल आजम साहब की बात से तो मैं कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, कुमार विश्वास साहब की बात से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। यह भी एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है। जब ऐसी बातें विदेश में जाती हैं तो कैसे उनका गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है, यह मैं विश्लेषण करके आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले बताऊंगा विपक्ष की बेशर्मी मणिपुर को लेकर। मैं वही आदमी हूं ना जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सरकार को द बक स्टॉप्स एट अमित शाह, वो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको मणिपुर पर बोलना चाहिए। मैं ही हूं ना जो बोल रहा था, लेकिन संतुलित दिमाग के हमारे फॉलोवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, भाइयों ने, बहनों ने, संतुलित दिमाग के हिंदुस्तानियों ने मेरी बात को सराहा और कहा नहीं रिजवान आप सही कह रहे हैं, गटर छापों की तरह गालियां नहीं दी। लेकिन जब अमित शाह बोलना शुरू किए तो विपक्ष की बेशर्मी एक बार मैं भी आपको दिखाऊंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? धत्तेरी की गटर छापो। तो साहब मैं वो शख्स हूं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था द बक स्टॉप्स एट अमित शाह साहब द होम मिनिस्टर, और उन्हें इस पर कम से कम एक बयान देना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, इसके अलावा की धरातल पर भी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं कल वीडियो एक और बनाऊंगा, डरता या छुपता नहीं हूं मैं। तो अमित शाह साहब पार्लियामेंट में बोलने गए और उस विपक्ष की, अब आज मैं ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि विपक्ष की बेशर्मी देखो। मेरा विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। ऐसी बेशर्मी की आप कल्पना कर सकते थे? क्या बदकिस्मती है इस देश की, क्या डेमोक्रेसी है इस देश की, क्या विपक्ष है इस देश का। तो 1.5 महीने से कह रहा था बोलो बोलो बोलो, और जब गृह मंत्री बोलने आता है तुम उसे सुन नहीं रहे हो, थूकने का, लानत भेजने का मन चाहता है कभी कभी ऐसे विपक्ष पर। तो साहब घटना यह है कि एक मिनट रुक जाओ, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूं। एक बात तो यह, मैं जो हमेशा आपसे कहता हूं वो ये है कि वो एक पार्टी हो, पार्टी ए, या फिर वो पार्टी बी हो या सी हो, डी हो, जो भी हो, राइट, जो सी भी पार्टी हो, एक बात हमेशा याद रखो, दे आर
पॉलिटिशियंस, यू आर अ सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, तुम कितना ही उन्हें अपने दिल में और अपने सर पे बिठा लो, वो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कहीं वायलेंस होता है, कितनी देर लगती है रोकने में? 1.5 महीने हो गए, कितनी देर लगती है? आपको क्या लगता है कि बीइंग अ होम मिनिस्टर या बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, क्या लगता है आपको कि उन्हें पता ही नहीं चलता? आम आदमी है वो, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था? ऐसा नहीं होता भाई। पॉलिटिक्स के लिए 10 मरते हैं, 100 मरते हैं, 1000 मरते हैं, डजंट मैटर, समझो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। दुनिया बदलना तुम्हारा काम नहीं है, अपनी दुनिया बदल लो, वही बहुत है। और दूसरी बात यह है, पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व मत हो कि इट स्टार्ट्स टू इफेक्ट योर लाइफ। आप चूज़ करो अपना कैंडिडेट, आप वोट करो, वो सही है, एंड यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यू डिस्कस इट, ठीक है, बट उसे इतना हावी मत होने दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड। यही सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारे लीडर जिन्हें तुमने वोट किया, जिन्हें तुम पूज रहे हो ना, वो आते आते 1.5 महीना लगा देंगे। जो काम 3 दिन में हो सकता था, वो 1.5 महीना लगा दिया उन्होंने उस काम के लिए, समझो। कितने लोग मारे गए, कितने वीडियोस वहाँ से आए, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं कि बात क्या चल रही है। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरीके की हरकतें जो कि पार्लियामेंट में होती है ना, वो दुनिया की किसी प्राइवेट कंपनी में भी नहीं होती। कैन यू इमेजिन कि एक प्राइवेट कंपनी की बड़ी मीटिंग चल रही है, जो कि Fortune 500 कंपनी है, और मतलब रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, उसकी मीटिंग चल रही है, बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे हुए हैं, सारे हैं। आपको लगता है कि ऐसी हरकत हो जाएगी? वहाँ उठा के लात मार के निकाल देंगे, चलो भगो यहाँ से, ये तरीका है तुम्हारा? लेकिन पार्लियामेंट में सब कुर्सियाँ भी फेंक दो, 10 और काम कर दो, कौन रोक रहा है वहाँ? तो ये इस पर जो है सीरियस फाइन्स होने चाहिए, इस पर सीरियस जो है एक तरीका, एक डेकोरम होना चाहिए कि भाई जब एक बात कर रहा है तो उसे बात करने दो। एनीबडी हु डजंट यू नो मैनेज या मेंटेन द डेकोरम, उसको ये फ़ाइन लगेगा। और फाइन पैसे मत लगाओ भाई, ये दबा के रखते पैसे, पैसे मत लगाओ, कोई सीरियस फ़ाइन लगाओ, ठीक है? कि जब आप कह रहे हो 1.5 महीने से कि वो बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, और जब वो बात कर रहे हैं और नेशनल टेलीविज़न पर ये टेलीकास्ट हो रहा है कि वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है डिस्कस करने के लिए तैयार है, सामने से नारे लग रहे हैं, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, अरे डिस्कस करो। ऐसे पागलपन आपको सिर्फ पार्लियामेंट में दिख सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं। एशियन एज एक पोर्टल है, उसने एक न्यूज डाली। अच्छा, उसने एक न्यूज डाली, मैं फुल स्क्रीन पर उसको फ्लैश कर रहा हूँ, बैकड्रॉप में मैं बोलता रहूंगा। After decades, the country's intelligence bureau will have no senior police IPS officer in important positions. The last Muslim IPS officer in the premier agency, S.A. Rizvi, special director, found his tenure curtailed last week when he was eased out and appointed advisor, NDMA. It has been noticed that the number of Muslim IPS officers in IB has dwindled significantly in recent years. This is in sharp contrast to the earlier regimes when Asif Ibrahim could rise to the rank of IB director, or Raiful Alam, an Assam cadre IPS officer, could hold key position during his deputation with the agency. तो एशियन एज पोर्टल ने ये न्यूज निकाली कि रिजवी साहब जो एक आखिरी सीनियर ऑफिसर बचे थे आईबी में, उनको वहां से हटा दिया गया है। और एशियन एज ने कहा ये उस दौर से बिल्कुल भी ये दौर नहीं मिलता है, पहले के दौर से, जब आसिफ इब्राहिम जैसे आईपीएस ऑफिसर डायरेक्टर आईबी हुआ करते थे और रैफुल आलम जैसे सीनियर पोजिशन लिया करते थे इंटेलिजेंस एजेंसीज में। यानी एशियन एज ने यह बताने की कोशिश करी कि अब का जो दौर है ये मुसलमानों के खिलाफ है, और पहले का दौर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आसिफ इब्राहिम का दौर, रैफुल आलम का दौर, ये वो दौर था जब मुस्लिम्स को ऊंचे ऊंचे पोस्ट तक पहुंचाया जाता था, ले जाके बिठाया जाता था। अच्छा भाई, अब साथियों, इस न्यूज का समर्थन करते हुए जनाबे आली लिखते हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स देयर वोंट बी एनी मुस्लिम ऑफिसर्स इन इंटेलिजेंस ब्यूरो सीनियर लीडरशिप। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सस्पिशन विद विच बीजेपी सीज मुस्लिम्स। आईबी एंड रॉ हैव बीन एक्सक्लूसिव मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस, यू कॉन्स्टेंटली डिमांड प्रूफ ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम मुस्लिम्स। अब इस खबर का समर्थन करते हुए जनाबे आली ने लिखा कि अब वो दौर नहीं रहा जैसा एशियन एज बता रहा है, और ये पता चल रहा है कि अब कैसा दौर शुरू हो गया है, मेजोरिटेरियन दौर शुरू हो गया है, यानी हिंदुत्ववादी दौर शुरू हो गया है। अच्छा, अब सवाल उठता है, इसमें आसिफ इब्राहिम बड़े चर्चा में रहे हैं, उन्हीं का मैं केस पकड़ के चलता हूं कि आसिफ इब्राहिम साहब किसके दौर में थे? कांग्रेस के दौर में थे, ठीक। अब इसका मतलब यह हुआ कि आज ओएसी बोल रहा है कि अब पहले जैसा दौर कहां रहा,
जब मुस्लिम ऑफिसर्स को टॉप पोजीशन मिली करती थी, अब तो ये हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी, मेजोरिटेरियनवादी ये सब सरकारें आ गई हैं जो मुसलमानों को आई भी और रॉस से किनारे कर रही हैं। यानी कांग्रेस ने अपनी बात मुसलमानों के लिए साथ निभाई थी, यही मतलब हुआ ना पुराने दौर में। अब देख लेते हैं तड़पती हुई बिलबिलाती हुई आत्मा कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है। भाई भाजपा को तो इसने गाली दे दी, भाजपा तो को तो कह दिया कि ये दौर पहले इसके से दौर जैसा कहाँ है, मेजोरिटेरियन है, मोदी का है, अमित शाह का है, योगी का है, तो वो दौर ये खराब है, तो पिछला वाला तो अच्छा था ना, कहीं तो संतुष्ट होना पड़ेगा ना, कहीं तो तसल्ली रखनी पड़ेगी ना, कहीं तो इस वतन का शुक्रिया करना पड़ेगा ना, या हर जगह मातम करते रहोगे? हाँ, हर जगह मातम करते रहोगे। अब पुराने दौर की यानी कांग्रेस के दौर की, आसिफ इब्राहिम के दौर की, समय की बात करने वाला जो उस दौर की तारीफ कर रहा है, उस दौर में सरकार कांग्रेस की थी। अब फितरत देख लो। All these elitist Muslims who believe that Congress party is the only alternative, which I don't believe. Congress party is not at all interested in Muslims empowerment or in. पूछो कांग्रेस के नेताओं से, जुलाई 2019 जब अमित शाह ने UAPA का amendment का तरमीमी बिल लाए थे, जिस कानून में आज ये 150 बच्चे उबली के जेल में, उस कानून को सख्त करने में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक सुन लिया भाई, पॉलिटिक्स में कोई इंटेग्रिटी, कोई जैसे कहते हैं ना जबान वाली बात नहीं होती। आज कुछ बोलो, कल कुछ बोलो, परसों कुछ बोलो, बात यह है कि वोट मिलने चाहिए, गेम चलता रहना चाहिए, बस। उनके प्रस्पेक्टिव अलग हैं, जब वो उनका नज़रिए से देखते हैं ना, तो वो सही जा रहे हैं, ऐसे ही करते हैं पॉलिटिशियंस, राइट? वो अपना रास्ता बना रहे हैं, तो हमारे प्रस्पेक्टिव से वो दोगलापन हो सकता है, लेकिन उनके हिसाब से सही है, वो गेम का हिस्सा है, इट्स फाइन, राइट? तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को ना ज़्यादा जो है गले से मत लगाओ, ज़्यादा जो है उन्हें ऐसा मत समझो कि नहीं ये तो बस देवता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, वो पॉलिटिशियंस हैं, अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं। ये वो फितरत है जिसकी मैं बात करता हूँ। तुम भाजपा के लिए भी मातम कर रहे हो और उस दौर की दुहाई दे रहे हो, जब कांग्रेस का दौर था तो आसिफ इब्राहिम का, रैफुल खान का उनका नाम ले रहे हो, या जहां नाम लिया गया है उसका समर्थन करके ट्वीट कर रहे हो कि वो दौर और था, ये तो हिंदूवादी दौर है, और उस दौर में जो सरकार थी तुम उसे भी कोस रहे हो। समझे मेरी बात? कैसे एज अ कमेंटेटर में चीजों को जोड़ के साबित करता हूं जो मैंने बोला था कि वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, दिल टूट गया, तू ना होता तो कोई और गम होना था, हम वो हैं जिन्हें हर हाल में वो रोना था। तो मुसलमान पर ये गाना बहुत सूट करता है मेरे भाइयों, कि वो तेरी बेवफाई का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि जूता पड़ गया, ये ना होता तो कोई और वजह होनी थी, हम वो हैं जिसके हर हाल में जूता पड़ना था। गलत कह रहा हूं क्या? अरे बेशर्मो, एक बात बताओ, तुम अगर भाजपा से नाराज हो तो तुम इससे पहले की रिजीम की दुआई दे रहे हो, तुम उसी से खुश हो जाते? यार तुम इसे भी कोस रहे हो, उसे भी कोस रहे हो, उसकी दुआई दे रहे हो। तुमको जाहिल ना कहूं तो और क्या कहूं, तुम्हें जाहिल आजम ना कहूं तो तुम्हें क्या कहूं, और तुम्हें मानने वालों को लश्कर जाहिला का सदस्य ना कहूं तो क्या कहूं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आसिफ इब्राहिम, कुमार विश्वास भाई पर बाद में आऊंगा कि उनकी बात पर मुझे क्या आपत्ति है, घोर आपत्ति है, पूरा देखिएगा, घोर आपत्ति बता रहा हूं। अब जब आसिफ इब्राहिम साहब को वैसे मोदी जी ने भी नियुक्त किया था, आप ये देख रहे हैं फुल स्क्रीन पर, एज एन एडवाइजर टू NSA, आप साउथ एशिया को लेके, अफगान पाकिस्तान को लेके, फलाने फलाने को लेके मोदी जी ने भी नियुक्त किया था। तुमने क्या मोदी जी का शुक्रिया किया था? तुमने जब ये नियुक्ति हुई थी तो इस सरकार का शुक्रिया किया था? नहीं किया था, क्योंकि तुम शुक्रिया करने के आदि ही नहीं हो, तुम आदि ही मातम करने के हो, तुम आदि ही मातम करने के हो। खैर उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया। तो जब आसिफ इब्राहिम साहब को IB का डायरेक्टर बनाया गया था, तो देखिए मैं फ्लैश कर रहा हूं हमारे होम मिनिस्टर शिंदे साहब ने क्या कहा था कि देखो हमने इस मुसलमान को IB का डायरेक्टर बनाया है जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया आजादी के बाद, और हमने करके दिखाया जो नेहरू और इंदिरा ने भी नहीं किया। जब तुम पोस्ट देते हो, अब मैं कांग्रेस पर आ रहा हूं, फिर एक ट्विस्ट है कहानी में, ओईसी का ट्विस्ट तो मैंने बता दिया, जिस दौर को अच्छा बता रहा है उसी दौर की सरकार को गालियां देता है, और जिस दौर को बुरा बता रहा है उस दौर की सरकार को भी गालियां देता है, और इसी दौर की सरकार जब आसिफ इब्राहिम को NSA का एडवाइजर बनाती है तब भी गालियां देता है और मातम करता है। तो ये बात खत्म हो गई। अब कांग्रेस पे आ जाओ। कांग्रेस जब मुसलमानों को पोस्ट देती है तो इस तरह से उनकी नुमाइश करती है, ए मुस्लिम IB डायरेक्टर, और बताती है कि ये काम तो देखो किसी ने नहीं किया जो हमने करके दिखाया। अब अगर मुसलमान का हितैषी थी कांग्रेस तो फिर 70 साल में पहला डायरेक्टर क्यों रखा गया? 4-5 होने चाहिए थे। मैं तो कहता हूं उनका कोई ना धर्म होती है, ना जात होती है, ना फौजी की, ना IB डायरेक्टर की, ना जज की, किसी की नहीं होती, पर कांग्रेस ही ये बात बोल रही है। एक नया ट्विस्ट आ गया कि मुस्लिम बनाया,
तो फिर ये पूछो नेहरू और इंदिरा ने क्यों नहीं बनाया, तुमने क्यों बनाया पहली बार, क्या इससे पहले अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स नहीं थे? ये एक दूसरा ट्विस्ट है। अब तीसरा ट्विस्ट बता दूं, जिस आसिफ इब्राहिम के ट्वीट पर जाहिल आजम रीट्वीट कर रहा है और उसको टैग करके कमेंट कर रहा है, आसिफ इब्राहिम के बारे में भी बता दूं, इशरत जहां याद है ना, वो इनकाउंटर था, फेक था, एक्चुअल था, वो भूल जाओ। कहते थे ना छोटी सी लड़की थी, घूमने जा रही थी, पकड़ के मार दिया। ये चला था ना इस देश में 10 साल, ये ड्रामा चला था ना इस देश में, या नहीं चला था? चला था ना। तो जिस आसिफ इब्राहिम की एशियन एज दुहाई दे रहा है आईपीएस ऑफिसर की, और उस केस में एक राजेंद्र कुमार के ऊपर सीबीआई ने कहा था यूपीए की कि हम चार्जशीट लगाएंगे, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, आईबी के एक सीनियर ऑफिसर आईपीएस था मध्य प्रदेश कैडर का, उसने इन्फॉर्मेशन दी इनके मोमेंट के बारे में कि ये एक मॉड्यूल जा रहा है जो नरेंद्र मोदी जी की हत्या कर सकता है। तो सीबीआई ने यह कहा कि राजेंद्र कुमार पर भी चार्जशीट लगेगी, वो भी इस फेक एनकाउंटर में शामिल है। अभी मैं फेक और रियल पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस पे जा रहा हूं, कह रहे थे ना एक इनोसेंट आदमी, एक इनोसेंट लड़की 17 साल की बेचारी गुजरात घूमने जा रही थी, पकड़ के मार दिया। अभी बहुत बड़ी बुरी खबर आने वाली है, इन लोगों को बोलने से पहले पता नहीं होता ये क्या बोलना है, पर हम पढ़ के बैठे होते हैं। इशरत जहां के बारे में इसी आसिफ इब्राहिम ने क्या बोला था, पढ़ लीजिए, इसी आसिफ इब्राहिम ने बोला था कि वो एक टेरर मॉड्यूल था, इशरत जहां एक टेररिस्ट थी, वो मोदी जी को मानने जा रहे थे, आईबी और सीबीआई के पास बुतेरे सबूत थे उनके टेररिस्ट होने के। चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, वो इनकाउंटर फेक था या नहीं था इस पर कमेंट नहीं कर रहा, पर वो टेररिस्ट थी और मानने जा रहे थे, और ये बात आसिफ इब्राहिम ने ही बोली थी, और आसिफ इब्राहिम ने बोला था राजेंद्र कुमार पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ये आईबी का तरीका होता है इंटेलिजेंस जमा करने का और आगे एजेंसी को देने का, अगर आपने राजेंद्र कुमार को इनकाउंटर केस में फंसाया तो पूरी आईबी पर गलत असर पड़ेगा। अब बोलो बेटा, अब बोलो। तो जिस एशियन एज की रिपोर्ट में आसिफ इब्राहिम को ताना जा रहा है और जाहिल आजम उसको और तान रहे हैं, तो बेटा वो तो बोल के गया था कि इशरत जहां टेररिस्ट थी। अब ये बात जाहिल आजम को पता नहीं होगी, ये बात जाहिल आजम को पता नहीं होगी। तो अगर आसिफ इब्राहिम की बात कर रहे हो तो फिर आज से इशरत जहां को टेररिस्ट मानना शुरू कर दो। ठीक, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आता हूं कुमार विश्वास साहब पर। जाहिल आजम की इस बात पर कुमार विश्वास साहब ने एक हिंदी में ट्वीट किया कि वकील साहब सब बातें तो ठीक है, आप पढ़ते जाइए, बस इतना बता दीजिए कि अगर मुल्क में और इस्लाम को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, और संविधान और कुरान को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। पढ़ लिया आप लोगों ने, किनारे लगा देता हूं, पढ़ते रहिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात बड़ी लॉजिकल है, पर रिजवान कुमार विश्वास का विरोध क्यों कर रहा है? कुमार विश्वास साहब, ये गलत नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं। आप बहुत महान कवि हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पर एक जगह आपको रोकना और टोकना चाहूंगा, और कुमार विश्वास के चाहने वालों कमेंट करके बताना क्या मैं सही हूं जो मैं कुमार विश्वास को रोक रहा हूं और टोक रहा हूं और आपत्ति कर रहा हूं। कि साहब उन्होंने कहा कि आप मुल्क पहले चुनेंगे या इस्लाम पहले चुनेंगे अगर एक को छोड़ने की बात की जाए। यार ये चीज जब विदेश में जाती है ना तो ऐसा लगता है या ऐसा इसका अनुवाद या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि क्या यह मुल्क मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए कह रहा है कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में चैन से रहना है तो तुम्हें इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, तभी यह बात उठ रही है, यह इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यह बोलना गलत है कुमार विश्वास साहब। इस देश ने 5000 साल किसी से अपनी मान्यताओं को छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि उनकी मान्यताओं को अपनाया, और आज भी यह देश किसी मुसलमान से के सामने यह शर्त नहीं रखता जैसी स्पेन में या कहीं रखी गई थी कि या तुम मुल्क चुनो या तुम अपना मजहब चुनो, और अगर तुम मुल्क नहीं चुनते या तो तुम कन्वर्ट हो या तुम ये देश छोड़ दो। आपकी इस बात से आप इतने मजे हुए वक्ता हैं, ऐसी गलती ना करिए। इसका इंटरप्रिटेशन यही आगे जाएगा कि क्या यहाँ के मुसलमानों को इसके लिए दबाया जा रहा है कि इस्लाम छोड़ दो, पहली चीज। दूसरी चीज, कुमार विश्वास साहब ने लिखी कि आप संविधान को पहले मानेंगे या कुरान को पहले मानेंगे। इस देश ने कभी कुरान को संविधान के बगल में नहीं रखा सदियों, गौर से समझना मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमारे देश ने कभी भी कुरान और संविधान को एक दूसरे के बराबर नहीं रखा, इस देश ने हमेशा कुरान को संविधान से ऊपर रखा। इस देश ने आर्टिकल 25 ने, आर्टिकल 29 ने और 44 आर्टिकल को पीछे धकेलते हुए इस देश को में कुरान को संविधान से ऊपर रखा। वो तो बदकिस्मती हुई कोई कुरान के नाम पर जब गलतियां करनी लोगों ने शुरू करी और बेशर्मी करनी शुरू करी, और आज की तारीख में भी संविधान और कुरान की आपस में कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम घर में रहेंगे तो हम कुरान मानेंगे, जब घर के बाहर हम कदम रखेंगे तो हम संविधान मानेंगे। ये वो चीन की तरह या पहले के स्पेन की तरह 1000 साल पहले या आज के चीन जंगाई रीजन की तरह नहीं है कि कोई घरों में घुस के हमारे कुरान फाड़ देगा या हमारे कुरान बदल देगा या हमारे घर से हमारे कुरान ले जाएगा या कुरानों को एडिट कर देगा, अमेंड कर देगा।
तो ये दोनों बातें ये दिखाती हैं कि एक हिंदू एक मुसलमान से ये ऐसी बात बोल रहा है कि या तुम संविधान मानो या कुरान मानो, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम कुरान छोड़ो और संविधान मानो। तो ये भी कुमार विश्वास साहब टेक्निकली गलत है। एक अधिवक्ता की जो नजर होती है या अकल होती है, उस नजर और अकल से आपकी तरफ नजर कर रहा हूं अपनी बात को, बाइज्जत बहुत ख्याति प्राप्त है भाई, हम क्या है आपके सामने। इस देश ने ना कभी इस्लाम को मुल्क के आगे बलि चढ़ाया, इस देश ने ना कभी कुरान को संविधान के आगे बलि चढ़ाया। गलती ये हुई कि इस्लाम और कुरान के मानने वालों ने कभी कभी इस देश को और संविधान को बलि चढ़ाया। अब चलते चलते चलो मान लिया जो एशियन एज ने लिखा वो ठीक है, चलो मान लिया, पर इसकी वजह तक पहुंचने की कोशिश की और ये बात वो साबित करती है जो मैं हमेशा से बोलना आया हूं कि गटर छापों के चलते इस देश के वतन परस्त और अच्छे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। शायद इसी तरफ इशारा कर रही है एशियन एज की रिपोर्ट जिसपे जाहिल आजम बोल रहा है, इसी की तरफ कर रही है। पत्थरबाजों का समर्थन करोगे, सरकार की हर नीति के खिलाफत का समर्थन करोगे, अगर कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारे मीम और तुम्हारे कमेंट तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है इसकी गवाही देंगे, अगर ऑक्सीजन खत्म होगी तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तुम्हारी फेसबुक पोस्ट और तुम्हारी ट्विटर इस बात की गवाही देंगे। ठीक, बालाकोट होगा तो कितने वहां आतंकवादी मारे गए इस बात पर जो तुम्हारे मीम और तुम्हारे कमेंट होते हैं तुम्हारे दिल में क्या है इस बात की गवाही देंगे। ठीक, कश्मीर के पत्थरबाजों के खिलाफ सरकार फैसला लेगी तो तुम्हारे कमेंट और तुम्हारे मीम तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसकी गवाही देंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में अब तो तुमने बंद कर दिया मजबूरी में, पर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये तुम्हारी हरकतें इसकी गवाही देती हैं और दुनिया इस बात को जानती है। तो हर चीज अगर सरकार की खिलाफ जा रही है, खामखा किसान आंदोलनों में कूद जाओगे सरकार को घेरने के लिए, खामखा खिलाड़ियों के आंदोलनों में कूद जाओगे जबकि किसानी से या खिलाड़ी से कुश्ती से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो फिर ये सरकार तुम्हें ऊंचे पदों पर क्यों पहुंचाएगी? तो कितने बेशरम हो जो चीजें ये मांगते हो सरकार से। कितनी बार मैंने बोला है अगर तुमने कसम खा रखी है कि तुम्हें सरकार को डुबोने के लिए ये देश डुबोना पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगे, और तुम उसी सरकार से फिर भीख मांगने लगते हो कि एमएलए को टिकट कितने दिए, एमपी को टिकट कितने दिए, मुस्लिम मंत्री कितने बनाए, मुस्लिम आईपीएस कितने हैं, रॉ में कितने मुसलमान है, आईबी में कितने मुसलमान है, फिर बेशरम हो ये बातें गटर छापों करते क्यों हो? तसल्ली करके सब्र करके किनारे बैठ जाओ ना, जिसको कोसते हो उसी से मांगते हो, जिसको कोसते हो उसी से मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अगर ये बात एशियन एज की सही है और सरकार ऐसी नीति पर चल रही है तो सरकार से ज्यादा इसकी वजह तुम्हारे नेता, तुम्हारे मौलाना, तुम्हारे पढ़े लिखे जाहिल आदम जैसे लोग, तुम्हारे गटर छाप पत्रकार और तुम गटर छापो हो जिन्होंने मुसलमान की इज्जत की फजीहत करवाई है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ आपको, जहाँ तक बात ये आ रही है कि भाई गवर्नमेंट में या सीनियर पोजीशंस पे कितने मुस्लिम्स हैं, वाकई में बहुत कम है। गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो वो लेस देन लाइक 2% 1.5% या ऐसा कुछ, उससे भी कम है। ठीक है, तो अब इसमें बात ये नहीं है, देखो एक पहलू ये हो सकता है कि सीनियर पोजीशन पे जब आपकी नियुक्ति होती है या आपकी भर्ती होती है, सीनियर पोजीशन पे आपको जब प्रमोट किया जाता है ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोगों का इनपुट होता है। जैसे कि आप देखेंगे मरीन्स जो होते हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मरीन्स होते हैं जो US की जो एक सेक्शन है आर्मी का, वो एक अलग ही स्पेशल सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें जब भर्ती होती है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें जब भर्ती होती है ना तो बहुत सारे नाम दिए जाते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं उसके लिए। ठीक है, एक समझो एक लेवल्स होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। आप जैसे मान लो टेस्ट दे रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हो, नंबर से कर लेते हो, अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, उसके बाद फिर बात कहाँ जाती है कि भाई बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल आई है, उसमें से सिलेक्ट किसे किया जाए, सारे लोग क्वालिफाइड हैं, सिलेक्ट किसे करेंगे? सिलेक्ट उसे किया जाता है जिस पे भरोसा किया जा सके। समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम से भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिस पे वहाँ बैठे हुए लोग जब साइन करते हैं ना कि दिस इज़ मेजर जॉन, दिस इज़ मेजर एक्स वाई जी, दिस इज़ मेजर मार्टिन, जो भी है राइट एक्स वाई जी, वो जो है ना वो साइन करते हैं उस पर, क्योंकि इसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, इसकी फैमिली जो है चार पुश्तें जो हैं वो मरीन्स में रह चुकी हैं, आर्मी में रह चुकी हैं, ये इस ब्यूरो में रह चुकी हैं, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जब देखते हैं ना कि कितने लोगों ने साइन किया है तब उसकी जो है भर्ती होती है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, और भी चीज़ें होती हैं बट ये एक तरीका है राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब आप सीनियर पोजीशन पे अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होता कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते, क्योंकि वहाँ आपका रिकमेंडेशन जाने का मतलब है कि आप क्वालिफाई करते हो। वहाँ नियुक्ति उसकी होगी जिस पे बाकी सारे लोग साइन करेंगे कि हाँ ओके आई अप्रूव हिम राइट। अब देखो मेरे भाई,
इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि मान लो उसकी पोजीशन के लिए आपके पास, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास पोजीशन एक है लेकिन आपके पास आए हैं करीब 5000 प्रोफाइल आई हैं, मान लो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो 5000 आई हैं या बहुत सीनियर पोजीशन है तो आपके पास मान लो 5 प्रोफाइल आई हैं, चलो मान लो 5 आई हैं, ठीक है भाई, 5 लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब 5 में से एक ही बंदा है जो मुस्लिम है, एक ही बंदा है, बाकी 4 जो है वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, वो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पारसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब ऑड्स देखे जाएंगे, जब प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ही इतनी कम है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ही एक प्रोफाइल की है, तो फिर कहने का मतलब यह है कि पिछले 50 साल में आपने क्या करा है, आपने 4 लोग हर मुस्लिम के घर भेजे हैं और कहा यह है कि साहब दुनिया 4 दिन की है, ऊपर जाना है, मस्जिद आइए, नमाज़ पढ़िए और जो है ये सब तो चलता रहेगा। देखो, मस्जिद जाना, नमाज़ पढ़ना बुरी बात नहीं है, आप बता रहे हो लोगों को, ये भी अच्छी बात है। दिक्कत कहाँ आती है कि आप जितनी शिद्दत से इस चीज़ को पुश कर रहे हो, उतनी ही शिद्दत से आपने उस चीज़ को पुश नहीं किया कि भाई ऐसा है कि हम यहाँ पर सारे लोग जो हैं, मतलब ये मोहल्ला है, ये छोटा सा एरिया है, और वहाँ पर क्या है कि एक मस्जिद बन रही है, मस्जिद कितनी बन रही है, 2 करोड़ रुपये की, समझना इस बात को। जिस कम्युनिटी में 97% लोग अनपढ़ हैं, जिस कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं और ज़्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, वहाँ 2 करोड़ रुपये की मस्जिद बन रही है। भाई नबी ने कौन सी 2 करोड़ रुपये की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी? नॉर्मल मस्जिद होती थी, नियत मायने रखती है आपकी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करने को आप ये भी कर सकते थे कि भाई ऐसा करते हैं कि 2 करोड़ रुपये हमारे पास जमा होंगे तो हम 1 करोड़ रुपये की मस्जिद बनाएंगे, आपका शौक भी पूरा हो गया, क्योंकि ये शौक है, ये दीन का काम नहीं है, क्योंकि दीन का काम ऐसा नहीं होता, आपको जो है इतनी एसी की ज़रूरत नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, नबी ने कौन सी एसी में नमाज़ पढ़ी थी, राइट। तो ये शौक है आपका, ठीक है, तो आप जो है 1 करोड़ रुपये की मस्जिद बनाते, आपका शौक पूरा हो जाता, ठीक है। आप 1 करोड़ रुपये जो उठा के, वो कहते हैं कि भाई ये मस्जिद की तरफ से एक स्कॉलरशिप दी जाएगी उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप वकील बनिए, आप पुलिस ऑफिसर बनिए, आप जो है अलग अलग पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आप कोई और जज बनना चाहते हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं सीनियर पोजीशन पे, आप वहाँ जाइए, जो भी बच्चा, आप उसका सर्टिफिकेट लेके आइए, आप उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आइए मस्जिद में, आप सबमिट कीजिए, और उसका अगर क्वालिफाइड नंबर हमें दिखे कि हाँ ये बच्चा वाकई काबिल है, ये मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, हम उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, आप जाइए। अगर हमारी कम्युनिटी 10-15% है तो 10-15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से कम 7% तो लोग हमारे गवर्नमेंट में हों। आज बैठ के रोते हो कि साहब वो हमारी तो सुनता ही नहीं है कोई, देखिए साहब बीजेपी ऐसा कर रही है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारे तो लोग ही नहीं है गवर्नमेंट में। तो देखो भाई, अगर मैं ये नैरेटिव मान के चलूँ कि साहब गलत हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि साहब दोगलापन हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि दबाया जा रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि साहब हमें नहीं ऊपर आने दिया जा रहा, ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, मान लिया, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? आज रो रहे हो कि साहब जो है हमें, हमारे लोग नहीं है गवर्नमेंट में, तो 50 साल से क्या कर रहे थे? 50 साल से तो यही कर रहे थे ना कि दुनिया 4 दिन की है, नमाज़ पढ़ने आई है, मस्जिद चलिए, पढ़ाई का क्या है, यहीं रह जाएगी, तो फिर अब रोना किस बात का? एक्सेप्ट करो जो बोया है उसे, एक्सेप्ट करो, और नहीं तो फिर आज से ये तय करो कि आज से हम बदलेंगे, आज से हम चेंज करेंगे। जैसे हम 4 लोग जाके बताते हैं घर घर के, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़े रखना ज़रूरी है, मस्जिद आना ज़रूरी है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बताएंगे कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ, अपने बच्चों को अच्छी पोजीशन पे भेजो, मस्जिद से चंदा निकलेगा। मस्जिद में जब मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है तो सब लोगों से चंदा लिया जा रहा है, आप सोचें, मस्जिद बन रही है, लोगों से चंदा लिया जा रहा है कि साहब आप हर महीने कुछ अमाउंट देंगे ताकि मस्जिद बन सके, मस्जिद कितने की बन रही है? 2-2.5 करोड़ रुपये की। ये काम है हमारी कम्युनिटी के, अब आप सोचें। और लोग ऐसे हैं, मतलब मैं नाइव बोलूँ, मासूम बोलूँ, क्या बोलूँ, कि उन्हें लगता है कि साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहा है क्योंकि हम मस्जिद बनवा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा कि भाई और भी ज़रूरी काम है, मस्जिद में AC लगवाना ज़रूरी नहीं है, पंखे में काम चल सकता है, मस्जिद की जगह बड़ी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन मस्जिद आलीशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, चलो हमारे पास उतने पैसे हैं तो समझ में आता है कि चलो भाई इतना पैसा है कि हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इतना पैसा है ही नहीं, कम्युनिटी के पास इतना है ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे आप?
तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे लोग गवर्नमेंट नहीं है, सीनियर पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं, हमें लोग जो है अप्रूव नहीं कर रहे, तो मेरे भाई ये बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनाई आपने। अगर 5 प्रोफाइल जा रही है तो क्या 3 या 2 जो है, 5 में से 2 या 3 आपकी मुस्लिम की प्रोफाइल है? तब तो चांसेस बढ़ेंगे ना उसके कि ओके सिलेक्ट हो सकता है। जब पता चल रहा है 150 प्रोफाइल में से एक ही बंदा है तो कैसे प्रोबेबिलिटी बनेगी, है ना? तो ये सारी कहानियाँ भी हैं जिसको समझना ज़रूरी है, और ये सारी बातें करने के लिए लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है, अपना खुद का मीडिया हाउस बनाना ज़रूरी है जहाँ आप ये बातें कर सको। ठीक है, अगर मेरे पास इतना पैसा हो, अगर लोग मुझे इतना सपोर्ट करें तो मैं तो बना लूँ वहाँ के लोगों को बिठाओ, और मैं ये कर भी सकता हूँ फ्यूचर में, हो भी सकता है कि हम एक पर्टिकुलर शो बनाएं, पर्टिकुलर एक जो है चैनल बनाएं जिसमें हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी की बात करेंगे, इस्लाम की बात नहीं करेंगे, दीन की बात नहीं करेंगे। वो हमारा काम नहीं है, इन द सेंस कि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है। भाई वो मौलाना करें, हाफिज़ करें, वो उनका काम है, उन्हें करने दो। हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम ये पॉलिटिक्स। क्योंकि जब भी मुस्लिम की बात होती है वो या तो इसलिए होती है क्योंकि कोई गदर हो गया, या फिर इस्लाम के नज़रिए से होती है, या फिर इसलिए होती है कि भाई वोट बैंक के नज़रिए से। कभी एज अ कम्युनिटी बात ही नहीं होती हमारी। आपने देखा लास्ट टाइम, आपने कब देखा? अगर आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम जो है पीछे हैं, तो उसमें भी वो पॉलिटिकल एंगल घुसेड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी अपने ही अंदर से लोग निकालें और उनको बोलें कि भाई एक मीडिया हाउस बनाओ, एक चैनल बनाओ, एक शो बनाओ जहाँ पर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करो, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम, हमने क्या अचीव किया अभी तक, हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। भाई हमने इतने लोग नहीं भेजे बाहर मार काट करने के लिए, हमारे लोग जाते भी हैं तो बहुत कभी कभार रेयर एक्सेप्शन होते हैं, जैसे पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं दबा के, लोग बायकॉट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इन्हें बाहर भगाओ, ऐसे हमारे लिए तो कभी नहीं हुआ, राइट? तो ये अच्छी खूबियाँ हैं हमें, इसीलिए इन्हें यूज़ करते हुए हमें चाहिए कि हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी से निकलें और अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इससे अलग हटके हम सिर्फ कम्युनिटी की बात करें, लोगों की बात करें कि भाई हमारी यूथ क्या कर रही है। ठीक है, वो बैक रोड पे बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये सारी हरकतें कर रहे हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, हम बकरों में खुश हैं कि साहब हमारे जो है बकरा जो है इंडस्ट्री चल रही है। भाई साहब ये फनी वर्ड मैंने सुना, बकरा इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये ऐसे कामों में लगे हुए हैं हम। ठीक है, तो अब आप क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करोगे इन लोगों से? तो डायरेक्शन दिखाने वाला भी तो कोई हो कि भाई देखो ये नहीं, ये करो, ये सही है, ये गलत है। जो बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की करे, कम्युनिटी की करे, लोगों की करे, रहन सहन की करे, सोशली बात करे, ठीक है, वो रिलीजन को ना बीच में लाए, वो पॉलिटिक्स को बीच में ना लाए, वो ऐसे बात करे, तब कहीं जाके हमारा कुछ हो पाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मेरा चैनल जो है, इतने सारे चैनल्स हैं, अगर चैनल्स बढ़ते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, 1 मिलियन हो जाते हैं, फिर इतना पैसा आ जाएगा, आई होप कि फिर मैं कुछ कर पाऊँगा, फिर हो सकता है शायद मैं खुद ही जो है शो शुरू कर पाऊँ। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड प्लीज़ अपनी राय बताएं, सपोर्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इनके चैनल को भी और हमारे चैनल को भी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।